आज हम बात करेंगे कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में और उन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे जो चैलेंज बने हैं पूरी दुनिया के लिए। शुरू करेंगे हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया। ये एक नर्व में इन्फेक्शन होता है और जो कुछ दिन रहता है सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और उस दौरान ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, खास तौर से चेस्ट पे, बैक पे, कभी यहाँ भी आंखों पे। तो नर्व रूट जहाँ जहाँ की तरफ होता है तो वहीं वहीं की तरफ जो है इसको आम तौर से देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट इसका जो भी दिया जाता है एंटीवायरल, उसका क्या रोल है क्या नहीं है उस पर हम बात नहीं करेंगे, मगर 100 में से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी उम्र जलन के साथ दर्द रहता है और पूरी दुनिया में साइंटिफिकली अभी इसका इलाज जो है वो खोजा नहीं गया है। और इस तरह से इन सारे मरीजों को ये कहा जाता है कि इस दर्द का कोई इलाज नहीं है, जिसके साथ जलन है और पूरी उम्र आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, या नर्व ब्लॉक देना पड़ेगा या एनाल्जेसिक का ज़रूरत जो है वो जब जब हो तो उसको ले लीजिएगा, और कभी कभार एनेस्थेटिक कुछ सब्सटेंसेस भी दी जाती हैं, मगर इनका फ़ायदा ज़्यादातर लोगों में नहीं होता है। दर्द और जलन यही तकदीर बन जाती हैं ऐसे मरीजों के लिए। और हम लोग यूनानी में कुछ रेजिमेंटल थेरेपीज से सिर्फ 4 हफ्तों में इसका ट्रीटमेंट कामयाब तरीन ट्रीटमेंट करते हैं और जिससे एक इंसान की जलन और एक इंसान का दर्द दूर हो जाता है, वो भी बगैर मेडिकेशन के। और हमारा जो यूनानी और पंचकर्मा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ कश्मीर में अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो आप हमारे किसी भी ब्रांच पे आ सकते हैं, हमसे राबता कायम कर सकते हैं। किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह रहमान उसका सलूशन भी निकल आ पाएगा। अगर किसी भी आपके अपने को, आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को पोस्ट हर्पेटिक न्यूरलजिया की शिकायत हो तो उसको ये वीडियो सेंड कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक भी कर लीजिए, ताकि हम आइंदा और इसी तरह के वीडियोस बनाते रहें।